हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। देखिए, आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना सिखाएंगे आपको। और फ्रेंड्स, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है। ड्रेस बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने चोली बना ली है और हमने ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। अब देखिए, अब हम घेरा बनाएंगे। देखिए, घेरा हमें यहाँ से शुरू करना है। घेरा हम 2 कलर से बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हमें दूसरा कलर जॉइंट करना है। देखिए ऐसे, वन टू थ्री, 3 चैन लेंगे। और देखिए, धागे को हमें इसी के अंदर एडजस्ट करना है। इस धागे को भी हमें कट नहीं करना है। देखिए ऐसे, फर्स्ट रो में हमें एवरी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2। देखिए, फर्स्ट रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें देखिए चोली को इस तरीके से, यहाँ पे हमारा जो बीच में आता है सेंटर का, देखिए इस तरीके से, यहाँ से हमारा चोली को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, देखिए यहाँ से हमें यहाँ से इनके सेंटर में से लेना है, यहाँ से देखिए, और धागे को हमें यहाँ से लेना है। देखिए इस तरीके से, ऐसे 1 2 3। आप इसको कट करके भी इधर लगा सकते हो। देखिए, हमने स्लिप स्टिच इसलिए किया था क्योंकि हमारे फर्स्ट रो की फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 चैन बना ली है। 3 चैन बनाने के बाद देखिए, इसी चैन में से हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट में से हमें 1 बार बनाना है। 1। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 की चैन बनाई है और 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में से हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया है 1 चैन में से। अब देखिए, यहाँ से हमें इस कलर के धागे को जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। और देखिए, फिर हम इसे नेक्स्ट चैन में से, सॉरी, देखिए हमें यहाँ से डबल क्रोशिया के सेंटर में से, देखिए इधर से, यहाँ से इसको इस तरीके से बनाना है। ऐसे धागे को हम यहाँ पे खींच लेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए, धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे। और नेक्स्ट देखिए, फिर हमें क्या करना है, हमें इस कलर के धागे से ऐसे, यहाँ से हमें नेक्स्ट चैन में से, देखिए ये हमने डबल क्रोशिया के सेंटर में से लिया है, देखिए इधर से। अब देखिए, यहाँ पे हमारे 1 2 और देखिए 3, यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया है। 1 डबल क्रोशिया इसी कलर से हम इधर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, 3rd चैन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब देखिए, इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और देखिए, नेक्स्ट कलर लगाएंगे ऐसे इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारे चैन के नीचे जो ये डबल क्रोशिया आता है, इसी को हमें यहाँ से उठाना है इस तरीके से, इसके नीचे से निकाल के लाना है। और देखिए ऐसे इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट कलर लगाना है। फिर देखिए,
इससे नेक्स्ट चैन में से हमें इसमें बनाना है। हमने कोई भी चैन को स्किप नहीं किया है। 1, 2 और देखिए 3। देखिए यहाँ पे हमारी ये थर्ड चैन है, यहाँ से हमारा एक फंदा ये बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से बनाते हुए हमारा एक फंदा यहाँ से बढ़ जाएगा। एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया है और एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाया है और देखिए हमने इस तरीके से रखा है। अब हम इसमें से ऐसे निकालेंगे, इसे धागे को खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे इसे नेक्स्ट चैन के नीचे जो डबल क्रोशिया आता है वहाँ से हम इसको लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने 1, 2 और 1, 2 और इधर भी देखिए 1, 2 डबल क्रोशिया को हमने स्किप करते गए हैं और हर तीसरे डबल क्रोशिया में से हमने इसको बनाया है। अब देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर लगाएंगे। देखिए अब हमें इसी चैन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2 और देखिए 3। इसमें भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, हमारा फंदा एक यहाँ से बढ़ गया। हमने सिर्फ यहाँ से 1 और 2 इन दोनों में से एक एक फंदा बढ़ाया है और हम कोई भी फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए हमें इसको ऐसे रखना है दो फंदों को और फिर हमें इसको इसमें से जॉइंट कर लेना है। इस तरीके से धागे को हम खींच लेंगे और देखिए यहाँ से हमें इसके सेंटर में से हमें यहाँ पे देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, थर्ड में से लेना है। थर्ड डबल क्रोशिया में से हम लेंगे इस तरीके से ऐसे। फिर देखिए फिर हमें ऐसे ही नेक्स्ट कलर लगाना है। हमें यहाँ से हाफ तक कर बनाना है इसी तरीके से। देखिए फिर यहाँ से 1, 2 और देखिए 3 ऐसे। अब यहाँ से हमें दूसरा कलर जॉइंट कर लेना है ऐसे। फिर हमें यहाँ पे यहाँ से इस डबल क्रोशिया में से देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक बनाते हुए हाफ तक आ गए। इधर भी हमारा यहाँ से यहाँ तक हाफ आएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कलर से देखिए यहाँ पे 1 इसमें से हम एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। 2 और देखिए देखिए 3। अब देखिए यहाँ से हमें इस कलर को जॉइंट करना है ऐसे और देखिए यहाँ पे हमें 1, 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, थर्ड में से इस तरीके से बनाना है। देखिए हाफ में हमें इस कलर से इस डिज़ाइन को बनाना है और देखिए हाफ में हमें हम इसका उल्टा करेंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें ऐसे ही रखना है, इसमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे आगे, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया है, आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 2 और देखिए 3। अब हम यहाँ से इस कलर को जॉइंट करेंगे ऐसे और देखिए यहाँ से इस डबल क्रोशिया के सेंटर में से हमें इसको इस तरीके से लेना है। देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए अब हम लास्ट में आ गए। हमारे यहाँ पे 2 चैन है तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक डबल क्रोशिया हम इधर से बनाएंगे इस चैन में से ऐसे, दूसरा कलर लेंगे और दूसरे कलर से देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से इसको जॉइंट कर लेना है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमें 1, 2, 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद देखिए ऐसे
इसी चैन में से हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर सेकंड में से हम एक बार बनाएंगे 1 2 ऐसे। यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया है। एक देखिए, एक चैन हम यहाँ से बनाएंगे इधर से। देखिए यहाँ पे हमें 2 फंदे रखने हैं नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करने के लिए। देखिए इस तरीके से हमें इस कलर को ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए यहाँ से हमने ये बनाया है, इसी के नीचे से ऐसे हमें क्रोशिया हुक को डाल के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ में हमें इसको बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ से हमें सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेना है से। और देखिए फिर हमें यहाँ से इस चैन में से देखिए यहाँ पे हमारे 1 देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है, तो हमारे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। इसमें हमने एक फंदे को बढ़ाया था, इसमें हमारे 4 थे, तो हमें 4 के ऊपर 4 ही बनाना है डबल क्रोशिया। इसमें हमने एक फंदे को बढ़ाया था, एक एक्स्ट्रा था, तो हम उसको इतना ही रखेंगे, एक इक्वल कर लेंगे हम सभी को। इसमें हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए फिर इस तरीके से हमें धागे को ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए इसको हमें इस तरीके से यहाँ से निकालना है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, हमारे यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया है, तो हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया होते जाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे 1 धागे को हम खींच लेंगे, एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे, 2 3 4 देखिए ऐसे एक एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। और देखिए अब हम इसको यहाँ से ऐसे बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही हमें इधर भी करना है। यहाँ पे भी हमारे 4 4 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो में हमारे 5th डबल क्रोशिया बनते जाएंगे और फिर 6 ऐसे ही बनाते हुए हमें यहाँ पे राउंड को कंप्लीट करते जाना है। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको कंप्लीट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। और हमने इसमें 4 रो कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4 डिजाइन के हमारे यहाँ पे 4 रो है। और एक रो हमने यहाँ पे चोली बनाने के बाद बनाया था, जिसमें हमने एवरी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए अब हमें इसको देखिए यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए ज्वाइंट करने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए इसी चैन में से ऐसे 1 2 और देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए 1 2 2 चैन को स्किप करेंगे, 3rd चैन में से हमें इस तरीके से बनाना है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन लेंगे और हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और देखिए 3 ऐसे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 1 2 और 3 देखिए 1 और 2 इन दोनों चैन को स्किप करना है। और देखिए यहाँ से हमें इसको से ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और देखिए 3 ऐसे। अब देखिए फिर हमें 1 2 2 चैन को स्किप करना है और देखिए 3rd चैन में से ज्वाइंट कर लेना है। देखिए इस तरीके से बनाते हुए हमें इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इधर भी हमें ऐसे ही बनाना है, इधर हम इस कलर से बनाएंगे। और देखिए मैंने इस कलर को लिया है और धागे में मैंने यहाँ पे नोट लगा ली है। ऐसे हमें इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए इसी चैन में से ऐसे 1 2 और देखिए 3 डबल।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमें 1 2 2 चैन को स्किप करना है और थर्ड चैन में से इसको बनाना है। इस धागे को हमने कट कर दिया है, इसको भी हम इसी के अंदर ऐसे एडजस्ट करेंगे। और देखिए ऐसे ही जैसे हमने इधर की तरफ बनाया है, ऐसे ही हम ऐसे इधर भी बना लेंगे। तो देखिए हम इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट कर लिया है और देखिए पूरी रो हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब देखिए धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और सभी धागों को अंदर ही एडजस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, धागों को भी हमने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको बताया है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को आप ऑल साइज में बना सकते हो और बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बन जाती है। फ्रेंड्स देखिए, जिस भी साइज में आपको अपने लड्डू गोपाल जी की इस ड्रेस को बनाना है, उस साइज की आप पहले चोली बना लीजिए। चोली बनाने के बाद हमें इस रो को कंप्लीट करना है। एवरी चैन में से हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे घेरे के, और फिर बाद में हमें सेम यही प्रोसेस करना है। हमें जितना भी बड़ा घेरा चाहिए, हमारे ऐसे ही एक 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 फंदे इनमें से बढ़ते जाएंगे। हमारे देखिए यहाँ पे 3 थे, फिर 4 5 6 6 तक हमने बनाया है। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को के लिए है, बहुत ही प्यारी लगेगी उनको। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए उतना ही आप बनाते हुए जा सकते हो, छोटा या बड़ा घेरा। यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे ही हमारा ये रो बढ़ते चले जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इस ड्रेस को आप ऑल साइज में बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सुंदर लगती है।